स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर नारी शक्ति की प्रतीक लीगल लाइट्स काउंसिल इंडिया की राष्ट्रीय महासचिव सुश्री राजलक्ष्मी मांडा राष्ट्रीय ध्वज के साथ सागर पहुंची। इस दौरान विधायक शैलेंद्र जैन की मौजूदगी में उनका स्वागत कर तिरंगा यात्रा निकाली गई। राजलक्ष्मी मांडा मदुरई से अटल टनल मनाली हिमाचल प्रदेश तक बुलेट से 4,450 किलोमीटर की यात्रा कर रही हैं। इसी दौरान बुधवार को सागर पहुंचने पर डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय पर राजलक्ष्मी मांडा का लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया प्रदेश उपाध्यक्ष अनु जैन एवं सागर विधायक शैलेंद्र जैन द्वारा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। विश्वविद्यालय पर डॉक्टर गौर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्रीय एकता यात्रा का शुभारम्भ किया गया। नगर के मुख्य स्थानों पर राष्ट्रीय एकता यात्रा का स्वागत किया गया। काउंसिल इंडिया प्रदेश उपाध्यक्ष अनु शैलेंद्र जैन ने कहा कि हमें एक बार फिर सुश्री राजलक्ष्मी मांडा का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनके द्वारा किए जा रहे नारी शक्ति उत्थान कार्य अभूतपूर्व है। मैं समस्त नारी शक्ति से कहना चाहती हूं कि सुश्री मांडा से प्रेरणा लेते हुए आत्मनिर्भर बने एवं दूसरों को आत्मनिर्भरता की प्रेरणा दे। स्वतंत्रता दिवस के पहले मनाया स्वतंत्रता पर वही राजलक्ष्मी मांडा ने कहा कि मैंने अपने जीवन में अनेकों यात्राएं की हैं और इस यात्रा में एक अलग ही अनुभव प्राप्त हुआ है। लोगों का देश के प्रति जो भाव हमें देखने को मिला है वह काबिले तारीफ है। सागर में जो यात्रा का स्वागत किया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता दिवस के पर्व के पहले ही स्वतंत्रता दिवस मना लिया है। जैसे आत्मीय स्वागत आपने किया है वैसा कहीं नहीं किया गया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सागर से सुनील लड़िया की रिपोर्ट।